आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर चुनाव में हार के डर से आप नेताओं पर झूठे मामले दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने के आरोप लगाए हैं। हिमाचल के प्रभारी और पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनावों में हार देखकर भाजपा नेता जो हैं वो बौखला चुके हैं। हिमाचल में आम आदमी पार्टी को जनता का भारी समर्थन मिल रहा है, जिससे आम आदमी पार्टी को हिमाचल में रोकने के लिए केंद्रीय एजेंसियों को दुरुपयोग कर आप नेताओं पर झूठे केस दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बेहतर मोहल्ला क्लिनिक खोलकर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने वाले सत्येंद्र जैन पर झूठे केस दर्ज कर जेल में डाला गया। हिमाचल प्रभारी रहे सत्येंद्र जैन लगातार हिमाचल में आम आदमी पार्टी का संगठन खड़ा कर रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए झूठा केस दर्ज कराकर गिरफ्तार किया गया। अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया लगातार हिमाचल में आ रहे हैं। हिमाचल की जनता का आम आदमी पार्टी को भारी समर्थन मिल रहा है, जिसे बौखलाए भाजपा नेता अब मनीष सिसोदिया पर झूठा केस दर्ज कर गिरफ्तार करवाना चाहती है। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी से सरकार के रेस्क्यू में भारी बढ़ोतरी हो रही है, तब घोटाला कैसे हो सकता है? ये देश में पहला घोटाला होगा जिसमें सरकार के रेस्क्यू में बढ़ोतरी हो रही है। घोटाला हुआ ही नहीं, लेकिन भाजपा सरकार केंद्रीय एजेंसियों को दुरुपयोग कर मनीष सिसोदिया को गुजरात और हिमाचल में प्रचार करने से रोकने के लिए षड्यंत्र रच रही है। आम आदमी पार्टी के सभी प्रत्याशियों को आज कल में जारी हो जाएगी और नामांकन का सिलसिला शुरू करेंगे। आम आदमी पार्टी हिमाचल की सभी 68 सीटों पर पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी और ये खास करके ये चुनाव अब बहुत अहम इसलिए बन जाता है क्योंकि भाजपा इतनी डर चुकी है, इतनी बौखला चुकी है कि वो हर संभव कोशिश कर रही है कि हमारी लीडरशिप यहाँ आकर प्रचार भी ना कर पाए। चाहे हमारे प्रभारी पूर्व प्रभारी माननीय सत्येंद्र जैन जी, वो शख्स जिसने दुनिया को मोहल्ला क्लिनिक का कंसेप्ट दिया, जिन्होंने हिमाचल में बहुत मेहनत कर रहे थे, उनको फर्जी मुकदमे बनाकर उनको जेल में बंद रखा हुआ जेल में, सिर्फ यही कारण है कि वो हिमाचल में प्रचार ना कर सकते। और अब जब हमारे दिल्ली के माननीय उप मुख्यमंत्री, देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री, वो हिमाचल आ रहे थे, प्रचार कर रहे थे, तो अब मनीष सिसोदिया जी को भी बार बार उनके घर रेड मार ली, बैंक लॉकर छान लिए, पैतृक गांव में जाकर जांच कर ली, कुछ भी ना मिलने के बावजूद भी उनको परेशान किया जा रहा है। एक ही मकसद है कि वो हिमाचल में ना आ सकें, वो गुजरात ना जा सकें। ये भाजपा की बौखलाहट है और इन दोनों पार्टियों को अपने कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे। आम आदमी पार्टी पूरे दमखम से हमारे चार उम्मीदवारों का घोषणा हो चुकी है और बाकियों की एक आधे दिन में हो जाएगी। दमखम से अच्छे पढ़े लिखे नौजवान, महिलाएं, एक्स आर्मी मैन, इनको तरजीह दी जाएगी, ना जो हिमाचल का ये नया विकास की एक नई लिख सके। ठीक उसी तरह जैसे पंजाब में आपने देखा, मेरे जैसे 31 साल के नौजवान पंजाब में आपको 32 साल का, 27 साल का, 28 साल का वकील, महिलाएं, युवा विधायक बने हैं, वैसे ही विधायक आपको 8 दिसंबर को हिमाचल की विधानसभा में मिलेंगे। बहुत धन्यवाद।